विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी में श्रावण नवरात्र की अष्टमी पर भारी संख्या में मां के दरबार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मां के भवन में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बता दें कि यहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए आज लंगर की भी व्यवस्था की गई है। पंजाब व अन्य प्रदेशों से काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और अष्टमी पूजन किया। भक्तों ने मां ज्वालामुखी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया और हलवा पूरी का भोग ज्वाला माँ को लगाया और कन्या पूजन किया। आज श्रावण मास की अष्टमी है और यहाँ पर जो है माता ज्वाला मंदिर में प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। लोग बड़े आराम से जो है दर्शन कर रहे हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की किसी कोई दिक्कत नहीं है। और हमने भी आज अष्टमी का हवन करके माता को कढ़ाई का भोग लगाया है। जय माता। अम्बाला हरियाणा से माँ ज्वाला जी के दर्शनों के लिए आए हैं। बहुत अच्छी प्रकार से माता जी के बहुत बढ़िया दर्शन हुए, हवन करवाया और बहुत ही बढ़िया प्रशासन का और सभी जो पुजारी हैं उनका बहुत सहयोग, बहुत हर इंसान को माता सारे सभी बहुत इज्जत मान देते हैं। जय माता की। वहीं मंदिर के पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि आज अष्टमी का दिन है और इस दिन महागौरी के रूप में दुर्गा माता की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि अष्टमी पूजन का विशेष महत्व होता है। अष्टमी के दिन श्रद्धालु ज्वाला माँ को हलवे और पूरी चने का भोग लगाते हैं और यज्ञ करके कन्या पूजन करते हैं। श्रावण मास के नवरात्रों की अष्टमी का विशेष महत्व होता है। नवरात्रों में मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी इंतजाम, मेडिकल कैंप, सफाई, पीने का पानी व पंक्तिबद्ध दर्शन किए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो सके। श्रद्धालु के लिए विशेष फलाहार के लंगर का आयोजन किया गया है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है सभी नवरात्रों में जो अष्टमी का नवरात्र है बड़ा विशेष कहा गया है। इसमें महागौरी के रूप में महामाई ज्वाला माता की पूजा हो रही है और जिन लोगों ने आज व्रत रखे हुए हैं वो आज अपने व्रतों को उद्यापन करेंगे और कन्या पूजन कर रहे हैं, माता जी को पूरी का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि अष्टमी का जो नवरात्र है वह बड़ा ही विशेष फलदायी कहा गया है। इसमें कुछ लोग तो हैं जो पहले नवरात्र से व्रत रखते हैं और नौवें दिन उसका प्रायण करते हैं, तो आज अभी अष्टमी जो है 9:30 तक होने वाली है, उसके बाद में फिर नवमी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए ये जो नवरात्र जो है दोनों तिथियों को साथ लेके चल रहा है। और विशेषकर जो जितने भी हमारे लंगर के लोग आए तो वो आज अपने लंगरों का समापन कर रहे हैं और ये जो दिन है इसमें आज रश भी काफ़ी है। लोग आके माता जी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारे ये जो अच्छे नवरात्रे संपन्न हुए, जो व्रत रखा हुआ उसको महामारी ग्रहण करे और हमारी जो अविष्ट मनोकामनाओं को पूर्ति करे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपाणी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा सुनिश्चित, अर्थात ये जो श्रावण मास है जो शिव और शक्ति की आराधना की सबसे उपयुक्त मास कहा गया है। इसमें सब तरफ हरियाली और प्रकृति अपनी पूरी सत्ता बघेरे हुए रहती है और भगवान भोलेनाथ का और साथ में शक्ति का दोनों का ही समावेश इसमें रहता है। तो ये जो नवरात्रे हैं इसमें बड़ा ही अनुकूल मौसम होता है, बारिश होती है ना गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, और जो हमारे ग्रामीण पंजाब के लोग होते हैं वो बड़ी ही श्रद्धा के साथ में दंडवत प्रणाम करते हुए माता के चरणों में आकर अपनी आगाज श्रद्धा माता के चरणों में प्रकट करते हैं। माता इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और फिर इसके बाद देती है कि अगले साल ही फिर आए। और इसी के साथ में सभी लोगों को श्रावण मास की नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। बोल ज्वाला माई की, बोल सत्य कुमार की। पंजाब के एसए टीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.com।